फ्री का काम हमेशा मत करना, कभी भी फ्री में कोई काम मत करना। खुद की वैल्यू समझो, खुद की वैल्यू समझो। आप जो कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, उसमें भी मेहनत है, उसका भी वैल्यू है। आपको फ्री में काम नहीं करना है। अगर आप कहीं फ्री में काम कर भी रहे हो तो हमेशा याद रखना कि वो जगह कैसा है, वो चीज़ कैसा है, वो आपके लिए कितना मैटर करता है, वो कितना वैल्यू आपको देने वाला है, ये चीज़ हमेशा रख। मैंने तो स्टार्टिंग से ही बहुत सारे काम ऐसे किए हैं फ्री में, इवन कहीं ना कहीं अभी कुछ मंथ पहले भी मैंने किया, मुझे वो वैल्यूबल लगा इसलिए मैंने किया। 6 मंथ 3 मंथ कभी नहीं किया। मैं पर डे के हिसाब से भी फ्री में कुछ प्रोजेक्ट ले लेती हूँ जिसमें मेरा भी फायदा होता है, लेकिन उसके बाद मैं ज़रूर सोचती हूँ कि मेरी वैल्यू यहाँ नहीं है। कई सारी चीज़ें मैंने ड्रॉप कर दी जस्ट बिकॉज कि वहाँ मेरी वैल्यू नहीं थी, वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं थी और मुझे फ्री का काम नहीं करना है। आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कोई भी उठा रहे हो तो उसका एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर रख लेना, क्योंकि आपको लोग अगर काम देते हैं और बदले में ये बोलते हैं कि आपको उसके बदले आपका पेमेंट मिलेगा, आपको आपका स्टाइपेंड मिलेगा, तो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट रखना ही चाहिए। मैंने बहुत सारे स्पॉन्सर्स किया था, मैंने उस टाइम पे भी छोटा कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर रखा था, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट सेट किया था ताकि मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अब माइंड धोखा खाने के बाद माइंड बहुत अच्छे से चलने लगा है, तो मैं बस आपको जस्ट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर जो मुझे फील होता है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। नेक्स्ट चीज, और ये सिर्फ डिजाइनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो कुछ नहीं करते हैं। एक वीडियो है जो बहुत अच्छा वीडियो है, शायद आपको काम जरूर आएगा, वो वीडियो जरूर देखना। सब कोई सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत रहो। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई ना कोई काम जो आपको खुशी दे, जो आपको पैसे दे, जो आपको इंडिपेंडेंट बनाए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, 2022 के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं नहीं थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता था, घर से पैसे लेना, पे बोलना ये चाहिए वो चाहिए, और कहीं ना कहीं ये चीज़ खलता था कि यार ये चीज़ मैं खुद से क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मुझे बार बार घर वालों से बोलना पड़ता है। बट आज नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, और आप लोगों को भी रहना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, तो अभी चेंजेस ला दो ताकि फ्यूचर को आप आराम से बैलेंस कर पाओ। आप स्टडी कर रहे हो या लर्निंग के स्टेज पे हो तो आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि आप जो भी कर रहे हो उसका आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हो, आप उसका यूज़ कैसे करोगे। अगर आप फैशन डिज़ाइन कॉलेज में हो, किसी भी ट्रेनिंग स्टेज पर हो, या जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, माइंड में ज़रूर रखना कि इसका आप यूज़ कैसे करोगे। अगर आप प्रिंटिंग का भी काम करते हो, या आप कोई मोटिव क्रिएट करते हो, या आप इलस्ट्रेशन बना रहे हो, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, कोई एक नया सिल्वेट भी बना रहे हो, तो उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करोगे माइंड में हमेशा रखना। अच्छा, ये टिप्स मैं क्यों दे रही हूँ, जब मैं स्टडी करती थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कर क्यों रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल लाइन एक्सप्लोरेशन, जब मैं सीखती थी, जब मैं लाइन बनाती थी, लाइन के बहुत सारे वेरिएशन क्रिएट करती थी, मूड क्रिएट करती थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे उसका यूज़ कहाँ करना है। इवन मुझे कोई बताता भी नहीं था, मुझे किसी ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं कि इसका यूज़ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उसको जस्ट एक आर्टिस्ट की तरह एक डिज़ाइन क्रिएट कर देना, एक आर्ट क्रिएट कर देना, ऐसा कुछ मुझे लगा कि इसको बस बनाना है। पर जब वर्किंग हो जाते हो या आप कोई काम करना शुरू कर जाते हो, तो उसी चीज़ को आप एज अ मोटिव, एज अ प्रिंट, ऐसा किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। आप अगर टाई एंड टाई का काम करते हो, या प्रिंटिंग का काम करते हो, या स्कैन प्रिंटिंग करते हो, कोई भी टेक्सचर क्रिएट करते हो, सैम्पल में सरफेस वर्क करते हो, तो उसका आप यूज़ कहाँ करते हो, ये ज़रूर ध्यान में रखना कि आप कुछ भी बना रहे हो तो उसको कैसे अपने डिज़ाइन में डेवलप कर सकते हो, कुछ भी इंस्पिरेशन ले रहे हो तो उसको डिज़ाइन में कैसे क्रिएट करोगे, उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करोगे। एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ आप लोगों से, ये ज़रूर बोलूँगी कि आप कुछ भी सीख रहे हो, कहीं पर ट्रेनिंग ले रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो,
तो हमेशा ध्यान देना जो सीख रहे हो आपको उतना प्रॉपर तरीके से समझ आ रहा है कि नहीं, या बस आप अपना कोटा पूरा कर रहे हो, बस सीखना है उसका यूज नहीं करना है। क्योंकि एंड यूज तब पता चलता है जब सच में आप वर्क करना स्टार्ट करते हो उस चीज पे। ज्यादातर क्या होता है कि बड़े बड़े डिजाइनर्स के पास अगर आप काम करने के लिए जाते हो, इंटर्नशिप करते हो, तो आपको पे वो बहुत ही कम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन काम बहुत ज्यादा कराएंगे, एक चीज। और दूसरी चीज, वो आपको पे कम कर रहे हैं, काम ज्यादा करा रहे हैं, लेकिन आप जो उनसे सीखोगे ना, वो शायद ही आप अकेले कहीं और सीख पाओगे। तो इंटर्नशिप के टाइम पे अगर आपको कम पेमेंट भी मिल रही है, इंटर्नशिप के टाइम पे आपको पेमेंट भी नहीं मिल रही है, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, तो भी काम करो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि गधों की तरह बहुत सारे टाइम स्पेंड करना, लाइक 6 मंथ 1 ईयर टाइम से आप फ्री में काम कर रहे हो, ये बिल्कुल मत करना। कहीं ना कहीं बहुत सारे यंग डिजाइनर्स होंगे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते होंगे, बहुत सारे उनको प्रोजेक्ट मिलते होंगे, बहुत सारे ऐसे आर्ट बनाने पड़ते होंगे, और सोचते होंगे कि मैं किसी आर्ट क्लास में हूँ, मैं क्या कोई आर्टिस्ट हूँ, मुझे ये सब क्यों बनाना पड़ रहा है, इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों बनाने पड़ते हैं। आपको एक हैबिट क्रिएट कराया जाता है कि आपका एक हैबिट हो जाए डिजाइन क्रिएट करने का, उसे एक आर्टिस्ट बनाया जाता है, नई नई चीजों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करने का आपको एक मौका दिया जाता है, जिससे कि आप चीजों को सीख पाए। एग्जैक्टली डायरेक्टली गारमेंट बनाना मेरे को नहीं लगता कि हर कोई सिखाता होगा, आपको एक स्टेप वाइज सिखाया जाता है। अब ये सब क्यों सिखाया जाता है, ये सब क्यों ऐसे बताया जाता है, इसका रीजन सिंपल है। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं होता है, एक स्टेज एक स्टेयर होता है, आप फर्स्ट स्टेयर पे पहुंचोगे फिर सेकंड स्टेयर पे पहुंचोगे, ऐसे काम होता है। लेकिन जब भी जिस टाइम आप जो भी बना रहे हो उसको माइंड में जरूर रखना कि इसका यूज क्या है। इवन अगर आपको नहीं पता, अपने टीचर्स से पूछो, अपने वेलविशर्स से पूछो, अपने फैकल्टीज अपने मेंटोर सबसे पूछो कि मैं इसका यूज कहाँ कर सकता हूँ कर सकती हूँ, ये जरूर पूछना। क्योंकि मैंने तो नहीं पूछा था और बस करती जा रही थी और प्रैक्टिस करते जा रही थी, बाकी मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि यार क्यों बना रहे हैं, क्या मैं कोई आर्टिस्ट हूँ। ऑब्वियसली जो डिज़ाइन करता है वो आर्टिस्ट ही होता है। कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक के बनाया है आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो ज़रूर वॉच करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी है। तो उस चीज़ों को भी एक बार चैनल पे विजिट करो और प्लीज़ वीडियो को वॉच करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।